गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार सिंह विद्या प्लस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में साउंड के बारे में पढ़ा है, जैसे कि कुछ टॉपिक हैं हमारे, जैसे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे को हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इन तरंगों के ऊपर किस प्रकार से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसी को हम आज लगाते हैं कि इसको किस प्रकार से लगाया जा सकता है और इस एग्ज़ाम में किस प्रकार ये पूछे जाते हैं। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर दिया गया है, किसी माध्यम में चलने वाली दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 3:4 है। इन तरंगों की निम्नलिखित राशियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमसे बनते हैं कि तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग पहले देखते हैं ये किसी माध्यम के लिए तरंग दैर्ध्य की आवृत्तियों में अनुपात में क्या संबंध होता है, और किसी एक ही माध्यम में जब दो तरंगें ट्रेवल करती हैं तो उनकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहली तरंग के लिए V1 = N1λ1 इक्वेशन फर्स्ट होती है यहाँ पर पहली तरंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो अनुपात दिया गया है। तो N1 अनुपात N2 बराबर दिया गया है 3:4। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, N1/N2 बराबर 3:4। तो इसको हम लोग यहाँ पर अभी ब्लॉक में बंद कर दे रहे हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ दूसरी तरंग के लिए हो जाएगा V2N2λ2। जब एक ही माध्यम में दो तरंगें ट्रेवल करती हैं तो उनका वेग समान होता है। तो इस यहाँ पर हो जाएगा V1/V2। तो हम लोग पहले इक्वेशन को यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा हमारा N1 λ1 बराबर N2λ2। इसे हम अनुपात में फार्मूला बना लेते हैं, λ1/λ2 N2/N1। जैसे कि हमें यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है, N2 की वैल्यू 4 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं 4/3। तो ये हो जाएगा λ1/λ2 बराबर 4/3। ये हमारा तरंग दैर्ध्य में संबंध हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, λ1/λ2 बराबर 4/3। ये तो हमारा तरंग दैर्ध्य में संबंध निकल आया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आवर्तकाल में हमारा किस प्रकार का संबंध बनेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है, N1/1/T। तो यहाँ पर दो वेव है तो दोनों वेव के लिए आवर्तकाल क्या होगा, अलग अलग होगा, और आवृत्तियाँ भी दो दी गई हैं 3 और 4। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा इसे N1 और इसे T1 मान लें, फिर दूसरी इक्वेशन के लिए N2/T2 मान लें। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये संबंध दिया गया है इसी में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, λ1/λ2। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू रखते हैं 1/T2, यहाँ पर N1 की वैल्यू रखेंगे 1/T1। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा λ1/λ2। ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये T1/T2। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर λ1/λ2 बराबर T1/T2 बराबर, क्योंकि हम लोगों ने λ1 और λ2 की वैल्यू निकाल रखा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, λ1 की वैल्यू रख देंगे 4 और λ2 की वैल्यू रख देंगे 3। तो ये हमारा आवर्तकाल में क्या है, संबंध हो गया 4:3 का। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, T1/T2 4:3। तो ये हमारा क्या हुआ, अनुपात में संबंध आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। एक तरंग की चाल 200 मीटर प्रति सेकंड है तथा तरंग दैर्ध्य 50 सेंटीमीटर है, तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।
तो इसको हम लोग अभी इरेज करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। एक तरंग की चाल 200 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंग दैर्ध्य 50 सेंटीमीटर है, तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तरंग की चाल कितना दिया गया है, v बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड। तो v बराबर दिया है 200 मीटर प्रति सेकंड, और तरंग दैर्ध्य कितना दिया है, लैम्डा बराबर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो v है 200 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, मीटर में दिया गया है, और लैम्डा हमारा किस में है, सेंटीमीटर में। इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, 100 से भाग दे देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मीटर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है, तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तरंग की आवृत्ति पूछा है, तो हमारे पास फार्मूला होता है ध्वनि के संबंध में, वी बराबर एन लैम्डा। तो आवृत्ति निकालना है, तो एन बराबर वी अपान लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू 200 मीटर दिया है, तो 200 मीटर, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/2। या हम लोग इसको इस तरीके से भी रख सकते थे, जैसे हम 2 में भाग देते हैं, जैसे ये 0.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 0.5 भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 5 बचेगा तो यहाँ भाग देंगे तो 5 20, तो यहाँ पर जो आवृत्ति है 400 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, एक तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड तथा आवृत्ति 600 हर्ट्ज है, तरंग दैर्ध्य तथा आवर्तकाल की गणना कीजिए। तो ये सेम टू क्वेश्चन जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है उसी प्रकार से है, थोड़ा डेटा हमारा क्या किया गया, डिफरेंट कर दिया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ चाल कितना दिया है, 300 मीटर प्रति सेकेंड, तथा आवृत्ति कितना दिया है, 600 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमारा जो संबंध पूछा गया है तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल में पूछा गया है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास ये वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है v बराबर एन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारे पास v अपान एन, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितना है, 300 मीटर प्रति सेकेंड, आवृत्ति है 600, 0 0 कट गया, 3 2 6, तो ये हो गया 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। तो ये हमारा लैम्डा सॉल्व होके आ गया, लैम्डा बराबर 0.5 मीटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं आवर्तकाल की गणना करने के लिए बोला गया है, आवर्तकाल को हम लोग टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर एन बराबर 1/T होता है, तो आवर्तकाल निकालने के लिए तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा टी बराबर 1/N। तो ये यहाँ पर 1/N की वैल्यू दिया गया है 1/60। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा तुरंत, ये हो जाएगा, इसको ऐसे हम लोग भाग दे के दे लेते हैं, जैसे 0 पॉइंट लगा कर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 0, तो हम लोग इसको भाग देंगे, तो ये अभी छोटा है, तो ये हो जाएगा 0, एक बार जाएगा 600, यहाँ आ जाएगा 400। तो हमारे पास ये एक बार गया, फिर हम लोग 0 बढ़ाकर
इसे आगे भाग दे सकते हैं 6×36 कि हमारा हो जाएगा 6 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, तो हमारा आवर्तकाल का जो टाइम है हमें बहुत लंबा नहीं लेना है, 3 अंक तक लेना पड़ता है। तो 0.0016 ये हमारा आवर्तकाल आ जाएगा, 0.0016। तो हम लोग जैसे अभी यहाँ पर करेंगे, फिर से ये 6×36 हो जाता है, इसलिए हमने सिर्फ छोड़ दिया था। फिर 400 आता, तो ये बार बार ये रिपीट होता रहता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0.016 के बाद एक पॉइंट बढ़ा देंगे 7, तो ये हमारा पूर्ण आंसर हो जाता है। आवर्तकाल का जो टाइम पीरियड होता है सेकंड में चलता है, तो इसलिए हम इसे सेकंड में ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। यदि एक्स किरणों की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड हो तो उनकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है तीसरा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। यदि एक्स किरणों की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड है तो उनकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आवृत्ति पूछा है, तो आवृत्ति का हम लोग n से डिनोट करते हैं। और इसमें देखते हैं दिया क्या गया है, तरंग दैर्ध्य दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है, चाल जो कि हमारे क्या है लैम्डा की वैल्यू है। यहाँ पर चाल कितना दिया गया है, v बराबर 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे आवृत्ति पूछा गया है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दे दिया गया है। इसको हम देखते हैं फार्मूले से, वी बराबर एन लैम्डा, वी बराबर एन लैम्डा आवृत्ति पूछा है, तो ये हो जाएगा एन बराबर वी अपॉन लैम्डा। तो वी की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू है 10^-10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा ऊपर जाएगा 3×10^8 मीटर इंटू 10^-10 मीटर। तो यहाँ पर जब बेस हमारा सामान है आधार, तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 3×10^18 मीटर 18 हर्ट्ज़ हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इसको हम लोग लैम्डा के मान ऊपर ले जाएंगे, तो बेस आधार मतलब बेस कॉमन होने की वजह से घाते क्या होंगी, पावर हमारा हमेशा जुड़ जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा n बराबर 3×10^18 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है अप्रगामी तरंग में दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखा है अप्रगामी तरंग में दो निकटवर्ती निष्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफ मेथड से करेंगे, क्योंकि ग्राफ से करने से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन इसका करने में आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन आपका याद होना चाहिए। तो जो हमारे एग्ज़ाम में आता है सिर्फ इतना ही पूछता है, अप्रगामी तरंगों में या तरंग में दो निकटवर्ती निष्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग इसी के आधार पर इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा अप्रगामी तरंगों का ग्राफ है। आप जानते हैं कि अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता, ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्शन ग्राफ दिखाई देता है। तो ये हमारा ग्राफ जो है यहाँ से आते हुए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाता। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो निकटवर्ती निष्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी।
ये हमारा निष्पंद है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी लैम्डा होती है। एक कंप्लीट साइकिल के बीच की दूरी हमारी क्या होती है? लैम्डा होती है। यहाँ से जीरो, ये पाई और टू पाई रेडियन में चलती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्डा होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्डा बाई टू हो जाता है। जो ये ग्राफ होता है, ये पार्टिकल जो विस्थापन करता है, सेम आयाम में सभी पार्टिकल चलते हैं। तो यहाँ पर जो आयाम ए है, सेम आयाम इसका भी होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा निष्पंद के बीच की दूरी पूछा गया है। एक निष्पंद पॉइंट हमारा ये हो गया, एक निष्पंद पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ के बीच की दूरी हमारी क्या है? लैम्डा बाई टू है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अप्रगामी तरंग में दो निकटवर्ती निष्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी? लैम्डा बाई टू हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हमारा है। कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, बस आप ग्राफ याद रखिए कैसा ग्राफ होता है, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के देखते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो इसमें बहुत मदद आपको मिलेगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंग में प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो अब हम लोग फिर से ग्राफ ही बनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की दूरी। तो ये हमारी दूरी लैम्डा है, ये हमारा पॉइंट जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा है, ये निष्पंद है और ये हमारा क्या है? प्रस्पंद है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रगामी तरंग में प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो हम लोगों ने अभी देखा था कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या है? 2 पाई रेडियन का है। आवर्तकाल हमारा कितना होता है? टी ही होता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ लैम्डा से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर बीच की दूरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बीच की दूरी हमारी जो इस साइकिल के लिए होगी, वही इस साइकिल के लिए होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी? लैम्डा बाई टू होती है, लैम्डा बाई टू। अब पूछ रहा है प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की दूरी, जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वही हमारा क्या होता है? प्रस्पंद होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रस्पंद की दूरी पूछ रहा है, क्यों? निष्पंद यहाँ है, प्रस्पंद यहाँ है। क्वेश्चन में हमारे दिया गया है निष्पंद के बीच के, प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर ये हमारा लैम्डा बाई टू है, किसी भी हम एक क्यों ले लेते हैं, प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की दूरी, चाहे हम इसको ले लें चाहे इस पॉइंट को ले लें, ये हमारा प्रस्पंद है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच का दूरी पूछा जा रहा है कितना होगा। तो यहाँ पर लैम्डा बाई टू है, ये जो दूरी है, अगर हम ये पूरी हमारी लैम्डा बाई टू है, तो ये हमारी कितनी बच रही है? लैम्डा बाई टू की आधी बच रही है। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा बाई टू अपान टू, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई फोर। तो यहाँ पर जो बीच की दूरी है हमारी कितना है? एक प्रस्पंद और एक निष्पंद के बीच की न्यूनतम दूरी लैम्डा बाई फोर हो जाएगी। तो ये था आज के जो न्यूमेरिकल हमारे पास थे, हमने ये क्वेश्चनों को आईआरटी के पूछे गए क्वेश्चनों में से उठाकर बनाया था। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग और भी न्यूमेरिकल करेंगे, किस प्रकार से और न्यूमेरिकल आ रहे हैं, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस में, और प्रगामी तरंगों के बीच में कैसा संबंध है, इन न्यूमेरिकलों को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।